तो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है ऑल न्यू CB300R के बारे में। बाइक फाइनली अवेलेबल हो चुकी है आफ्टर OBD2 E20 अपडेट। सो आज आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाने वाली है, प्लस बहुत ही जल्दी ये देख सकते हो आप लोग डेमो व्हीकल भी अवेलेबल है। सो एक राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए 300R का आ जाने वाला है। टोटल दो ही कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहने वाली है और दो ही लकीली आज के लिए अपने पास अवेलेबल है। एक रहने वाला है अपना रेड जो कि ग्लॉसी थीम में रहेगा, और सेकंड रहता है मैट ब्लैक या फिर मैट ग्रे, इसको आप लोग कह सकते हो। यहाँ पे एक पियानो ब्लैक का भी टच आ जाता है। तो इस टाइप से टोटल दो ही कलर ऑप्शन सिंगल वेरियंट में ही बाइक अवेलेबल रहेगा। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो ऑन रोड जयपुर बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 2,88,000 ऑन रोड जयपुर। अब प्राइस पॉइंट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पावर है। एक 300cc कैटेगरी की बाइक आप लोगों को मिल जाती है। काफ़ी एग्रेसिव, एक फन टू राइड मशीन ये हो जाने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा ना एक अंडर एस्टिमेट भी ना ये बाइक हुई है जितना इस बाइक में पोटेंशियल है। LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है, टायर सेटअप काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग काफ़ी बेटर आप लोगों को मिल जाती है। निसिन फ्रंट है एंड निसिन ही यहाँ पर आप लोगों को रियर में भी मिल जाने वाली है। एक बार बाइक का स्टैंड चेक करो। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये हो जाने वाला है। अगर बजट पे शॉर्ट हो, एक बाइक आप लोगों को लेनी है ना थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी रिलायबिलिटी के साथ, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये बाइक आप लोगों के लिए ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी हो जाने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नंबर प्लेट होल्डर, LED में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप है, होंडा की ब्रांडिंग आप लोगों को हेडलैम्प सेटअप है मिलेगा। एक राउंड शेप में हैंडल, एक अपना हेडलैम्प आ जाता है, सॉरी हाउसिंग यहाँ पे मिलेगा अपना पियानो ब्लैक में। काफ़ी अच्छा ये ओवरले आ रहा है। इग्निशन ऑन करके देखते हैं, इस टाइप से कुछ इंडिकेटर सेटअप है। ये भी अपना कंप्लीट ओवरऑल आपको LED में ही मिलने वाला है। की का सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम की यहाँ पे मिल जाती है, वेव की है। सेंटर में आ जाता है अपना होंडा का लोगो, इस टाइप से दो ये आपको वेव की देखने को मिलेगी। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पर ही। इग्निशन ऑन करते हैं, इस टाइप से कुछ MID का लेआउट है, LCD क्लस्टर ये मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसी बाइक में मैंने अभी तक देखी है ना, यहाँ पे स्टील वाला हजार्ड भी आपको मिल जाता है। ये देख सकते हो इंडिकेटर अपना ऑन है, बट इग्निशन के साथ आपका हेडलैम्प सेटअप इस टाइप से ये ऑन रहेगा। सो ये कुछ अपना लेआउट है। अब स्टार्ट करेंगे तब हेडलैम्प ओवरऑल ऑन करके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हजार्ड के लिए एक स्विच यहाँ पे मिल जाता है, अब इसको प्रेस कर देते हैं। सो ये अपना रेगुलर पैटर्न में ऑन हो चुका है, और स्टिल भी इसको आप लोग सिंपली इस तरह से ये रोक सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा ये सेटअप आपको फील हो जाने वाला है। 41mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिलेगा विद गोल्डन ट्रीटमेंट। रेडिएटर का साइज़ भी आप लोग देख सकते हो। पियानो ब्लैक असेंबली यहाँ भी एक ना ओवरऑल देखने को मिलेगा। CB300R का एक स्टिकर यहाँ अपना आ जाता है। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अच्छा एक लुक है। प्लस जो इसका कर्व्स और क्रीज लाइंस है ना, ये काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो फ्रंट डिस्क यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा हबलेस फ्लोटिंग डिस्क, जिसको कि होंडा कहता है। थोड़ा सा नॉइज़ आएगा क्योंकि अभी ना थोड़ा ट्रैफिक वाला टाइम है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। निसिन ब्रेकिंग ही फ्रंट है, निसिन ब्रेकिंग ही अपना रियर ये रहेगा। फ्रंट डिस्क का साइज़ है 296mm, लगभग 300mm के अराउंड ही आपको ये फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। ड्यूल चैनल ABS के साथ MRF ट्यूबलेस टायर आप लोगों को मिलेगा। फ्रंट और रियर दोनों ही सेम सेटअप रहेगा। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 110/70/17 सेक्शन का अपना फ्रंट टायर रहेगा दोनों ही कलर ऑप्शंस में। ये आप लोग देख सकते हो मैट ब्लैक टोन में ही हेलो इसका पैटर्न अपना बन जाता है। ये आपका टायर का पैटर्न लुक, और एक जो फ्रंट लुक ना काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है 110 सेक्शन टायर के साथ। इस टाइप से अपना अलॉय इसका लेआउट ये बनेगा। रिफ्लेक्टर आ जाता है दोनों ही साइड जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। ये आपका अपोजिट साइड प्रोफाइल अभी कंप्लीट एक ना इधर भी डिटेल में अपन लोग आ जाते हैं। और इस टाइप से कुछ ब्लैक वाले का ओवरव्यू आने वाला है। ये अपना हो चुका है फ्रंट लुक कंप्लीट। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे मिलेगा, लीवर्स आप लोगों को मिलेंगे, क्लच लीवर भी और ब्रेक लीवर भी ब्रश क्रोम में। ये रहा आपका ब्रेक लीवर रबर कवरिंग के साथ, प्लस इस टाइप से कुछ आपका रियर व्यू मिरर ये अपना आ जाता है। हैंडल बार भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। ये रहा ब्रेक लीवर, और यहाँ से ये ज़्यादातर आप लोगों को विजिबल रहेगा रियर व्यू मिरर भी। साइड प्रोफाइल से देखते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट लुक मिलेगा, और बाइक को देखते ही आपको फील आने वाला है कि कितनी ज़्यादा फन टू राइड बाइक होने वाली है। स्प्लिट में सीट है, ये पैटर्न आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है, स्ट्रैप मिल जाता है पिलियन के लिए, प्लस इस टाइप से ग्रेब रेल भी है। इंटीग्रेटेड वाला पैटर्न आपको ये फील हो जाने वाला है। सीट का साइज़ काफ़ी अच्छा है राइडर का भी और पिलियन का भी, और सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है टोटल 801mm की, 801mm का टोटल सीट हाइट है। फ्यूल टैंक पे आते हैं तो फ्यूल टैंक कॉम्बिनेशन में है, मैट ब्लैक वाला सेंटर वाला पार्ट आएगा, और बॉडी कलर होंडा की स्टिकरिंग यहाँ आएगी। 3D में यहाँ पे नहीं है, सब स्टिकरिंग वाला ही सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 9.7 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे मिलेगा, और
सेकंड कलर ऑप्शन में भी सेंटर वाला पार्ट आपका मैट ब्लैक में ही रहेगा। E20 का स्टिकर, वार्निंग स्टिकर, फ्यूल कैप कुछ इस टाइप से है। ये आ जाता है अपना होंडा का लोगो, जैसा कि होंडा की सभी टू व्हीलर्स पे ये चीज़ रहती है। 9.7 लीटर 9.6 लीटर का अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 310R का स्टिकरिंग आपको साइड पैनल पे आ ही जाता है। डायमंड टाइप फ्रेम यहाँ पे मिलेगा जो कि विजिबल है, मैट ब्लैक में ही सेटअप भी रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, पहले एक बार ना रियर टायर और रियर ब्रेकिंग सेटअप चेक कर लेते हैं। टायर का पैटर्न, ये रहा आपका टायर हगर, 7-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आपको रियर में मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप, जो कि एक आपको प्रीलोड सेटअप के साथ मिलने का, प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ। रियर डिस्क देखते हैं तो रियर डिस्क यहाँ पे मिलेगा 220 mm का पेटल डिस्क ही है और निशिन ब्रेकिंग ही रियर में भी अपना रहेगा। रियर टायर की ग्रेडिंग 150, 60, 17, 110 सेक्शन अपना फ्रंट था, 150 सेक्शन का आपका रियर ये रहेगा। CB किस टाइप से एम्बोस्ड वाली मार्किंग मिल जाती है आपका हीट शील्ड पे, जो कि ब्रश क्रोम में है। टिप भी प्लस हीट शील्ड भी, फुटपैक कुछ इस टाइप से है। पिलियन के लिए कोई रबर ग्रिप नहीं है, बट राइडर के लिए रबर ग्रिप मिल जाता है और ब्रेक लीवर अपना ये रहा। बचते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस पे, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव फिगर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाले। एक तो लेआउट काफ़ी नहीं, ये भरा भरा सा फील होगा। बैंड पाइप भी यहाँ से विजिबल है। एक इंजन कावला जाता है मैट ब्लैक में ही। रेडिएटर अपन लोग देख ही चुके हैं। इंजन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है 286cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। 30.70 BHP का पीक पावर है और 27.5 Nm का टोटल टॉर्क है। बाइक का टोटल वेट है 146 kg, सिर्फ 146 kg और 30 BHP पीक पावर। सो पावर टू वेट रेशियो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ये ओवरले सेटअप ना कंप्लीट बन जाता है। रियर लाइटिंग कुछ इस टाइप से ये ऑन रहेगा अपना इग्निशन के साथ, LED में ही कंप्लीट वही सेटअप रहेगा। और यहाँ आ जाता है अपना रियर टिल्ट आईडी वाला लुक, काफ़ी अच्छा ही कॉम्पैक्ट साइज में भी है और मतलब इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है और काफ़ी अच्छा ये सेटअप प्रॉपर ओवरऑल बन जाता है। टायर का पैटर्न ये रहा, चेन का सेटअप ओपन वाला ही है और एक साड़ी गार्ड आ जाता है जो कि आप लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। सिंगल हेड में गियर लीवर है। इंजन का लेआउट अपोजिट साइड से कुछ इस टाइप से ही बन जाता है। अब देख लेते हैं एक बार स्विचे सेटअप, फिर आते हैं MID पे। सो स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी लाइट फील क्लच का है ही। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच यहाँ है, प्लस हॉर्न का स्विच ये आ जाता है। सिंगल बसर में आपको काफ़ी लाउड हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न और इंडिकेटर का इंटरचेंज यहाँ पे स्विच मिलेगा, जैसा कि अपना CB300F जो कि वहाँ है उसमें भी वही वाला सेटअप रहता है। वो रहा, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मैट ब्लैक का, अभी मैं शूट करने वाला हूँ। सो हॉर्न और इंडिकेटर का स्विच अपना इंटरचेंज ये रहेगा। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रियर व्यू मिरर से यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। बार एंड भी मेटल में ही रहेगा, इस टाइप से थ्रोटल ग्रिप से ये रहा अपना थ्रोटल, और काफ़ी अच्छा क्विक रिस्पांस थ्रोटल का भी है। हैंडल बार का लेआउट ये आप लोग देख सकते हो, कितना ज़्यादा थिकनेस यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा है कि ये प्रॉपर आपको सेटअप मिलेगा और काफ़ी ब्रॉड भी है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। राइट साइड पे देखते हैं तो किल स्विच प्लस स्टार्टर आ जाता है और हज़ार्ड का एक स्विच यहाँ आ जाता है। तो पहले कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट, फिर आते हैं MID पे। इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप मिल जाता है। अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट पे ही, देख सकते हो RPM थोड़ा सा अप है, सो कोल्ड स्टार्ट पे है। एक बार रेव भी करके देखते हैं क्या एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे बन जाता है। इस टाइप का काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं क्विकली MID सेटअप की, और ये कलर विनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कलर ऑप्शंस और होते तो और अच्छा रहता, बट कोई नहीं, दो हैं वो भी अच्छा ही सेटअप ये बन जाता है। MID का स्टार्टअप ये आप लोग देख सकते हो। ये रहा अपना फ्यूल गेज, दो स्विचेज हैं सेट और सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ जाता अपना RPM मीटर, टैकोमीटर, क्लॉक भी है, सारी वार्निंग लाइट्स ऊपर आ जाती है। ये रहा अपना स्पीडोमीटर, ट्रिप ए अभी शो हो रहा है, प्लस नीचे आ रहा है अपना ट्रिप ए के अकॉर्डिंग क्या फ्यूल इकोनॉमी या फिर कितना फ्यूल कंज्यूम बाइक कर रही है। ये आ गया गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड डाउन है उसकी वार्निंग मिल जाती है। अब चेंजेस करके देखते हैं। सो यहाँ जाता है अपना रियल टाइम एवरेज ट्रिप ए के अकॉर्डिंग, और एक रियल टाइम एवरेज का भी विंडो सेपरेट है। यार स्विचेस थोड़े से हार्ड हैं ना, यूज़ के साथ ये अपने सेट हो जाएंगे। ट्रिप बी, ये आ गया आपका उसका टाइम, टोटल ऑडोमीटर और ट्रिप ए। सो ये सारी कुछ आपको MID में सेटअप यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये थोड़ा सा लूज है, बट ये कुछ आपका रहेगा MID सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस टोटल बाइक में आप लोगों को मिल जाता है 157 mm का, व्हील बेस है 1352 mm का। सो ये हो जाती है अपनी पूरी डिटेल्स कंप्लीट CB300R के बारे में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। राइट रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करके अभी से बेल आइकन को ऑल कर लेना। वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है वहाँ पे अपने पास डेमो 300R।
सो करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।